स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि शर्मा और मैं यहां पे आपको कवर करवा रही हूं आपकी क्लास 12th का केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है यूनिट 1 सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन और एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का पार्ट 1 कवर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक्स करे हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन। आज का जो वीडियो है उसी वीडियो का पार्ट 2 है, लेकिन ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें यहाँ पे हम लोग तीन मेन टर्म्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। तो तीन बड़े बड़े टॉपिक आज हम लोगों को कवर करने हैं, इसलिए बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठ जाइए, अपना कॉपी, पेंसिल, पेन सब कुछ अपने पास लेकर बैठिए। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक मोलैरिटी। याद रखिए, सबसे पहले मोलैरिटी को नोट किया जाता है कैपिटल एम के साथ। तो मोलैरिटी का मीनिंग क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूट के कितने ग्राम मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए गए हैं। तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है? सॉल्यूट से एंड सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे इस तरह से विजुलाइज कीजिए दैट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, हरेक एक लीटर सॉल्यूशन के लिए, फॉर ईच वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिसॉल्व किए गए हैं, वो बनेंगे उसकी मोलैरिटी। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? सॉल्यूट के। तो ये चीज रहेगी उसकी मोलैरिटी वाली चीज। मोलैरिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एम के साथ। तो इसी तरह से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में बात करें, अगर हम लोग हमारे लैब की ही बात करें, तो हम सभी ने बीकर्स देखे होंगे, वहां पे जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर्स में रहता है। तो प्रैक्टिकली जो वॉल्यूम हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो मिलीलीटर्स में रहते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपको जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर्स में गिवन होगा। तो कभी भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर्स में गिवन है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना ना भूलिए। मतलब आपको ये सारे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देना है विद दैट ऑफ 1000। तो याद रखना, अगर लीटर्स में है तो सिंपल फॉर्मूला रहेगा, अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें मिलीलीटर्स में गिवन है तो इसे हम लोग 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सही आएंगे। तो अभी जो यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी हमारे पास क्या बन जाते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं और वॉल्यूम ले रहे हैं लीटर्स में, तो इसलिए यूनिट्स हमारे बन गए मोल्स पर लीटर। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन ग्राम मोलर मास और द मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम लोग को बोला हो 18 grams ऑफ वॉटर। अब ये जो 18 grams है ये क्या हो गया इसका गिवन मास, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है कैसे, 2 times मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ 1 atom ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो 18 grams आ गया यहाँ पर, ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो गिवन मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, गिवन मास कितना है 18, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला भी याद रखिए, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास और द मोलर मास। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। अब हम लोग एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट मोलैरिटी वाले सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना देते हैं तो वो नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप ऐसे कीजिए, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उस पर बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं
then what will be the molarity of the new solution? Molarity of the solution लिख लीजिए, molarity of the solution upon mixing two solutions, कि दो solutions को mix करने पर जो नया solution बनेगा उस नए solution की molarity क्या होगी, molarity of the न्यू सोल्यूशन. तो मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है ए, सोल्यूशन की अगर बात करेंगे, वी हैव सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी. क्या क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी. सोल्यूशन ए का मोलैरिटी कितना है मान लीजिए एम वन, बी का मोलैरिटी क्या है एम टू. सोल्यूशन ए का अगर हम लोग वॉल्यूम देखें, सोल्यूशन ए का वॉल्यूम वी वन, सोल्यूशन बी का वॉल्यूम वी टू. अब हमने क्या किया, ए और बी को मिक्स कर दिया, तो क्या जो नया सोल्यूशन बना सी, मान लो जो नया सोल्यूशन है वो सी है, तो क्या उसकी मोलैरिटी एम वन प्लस एम टू होगी? मान लो सोल्यूशन जो ए है उसका मोलैरिटी है वो है एक मोलर सोल्यूशन, बी है दो मोलर सोल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या जो नया सोल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी तीन मोलर होगी? दोबारा से सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन नहीं होगी. तो वही तो हम लोगों को बताना है कि जब हमने कोई दो डिफरेंट डिफरेंट मोलैरिटी के सोल्यूशंस को ऐड कर दिया, दैट एम वन इज नॉट इक्वल्स टू एम टू, एम वन मोलैरिटी एम टू के इक्वल नहीं है, पर हमने इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया, तो जो नया सोल्यूशन बन गया सी, उसकी मोलैरिटी क्या होगी? मान लो कि इसकी मोलैरिटी है एम थ्री, और जो नया वॉल्यूम आ गया, अब वी वन को वी टू में मिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम तो वही बनेगा ना, वी वन प्लस V2. तो अब ये जो नया सोल्यूशन बना है जिसका मोलैरिटी M3 है, तो इस M3 का वैल्यू अभी क्या होगा, ये चीज हम लोगों को बतानी है. तो देखो, हमारे पास जो सोल्यूशन A है, सोल्यूशन A का मोलैरिटी क्या M1, वॉल्यूम क्या V1, इसको ऐड कर दिया B में, क्या इसका मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2, बनता गया नया सोल्यूशन C जिसका मोलैरिटी M3 और वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2. इस प्रकार से जो नई मोलैरिटी है M3 उसका फॉर्मूला क्या, तो उसका वैल्यू क्या होगा, M3 का वैल्यू होगा M1 V1 प्लस M2 V2 V1 प्लस V2. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द न्यू सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द न्यू सोल्यूशन. याद रखिएगा कि जो नया, कि ए और बी को मिक्स करने पे जो नया सोल्यूशन बना है, कैसे फाइंड करेंगे, ए का मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम प्लस बी का मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम, इट इज इक्वल्स टू एम थ्री, द न्यू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद वी वन प्लस वी टू, और यहाँ से आपने एम थ्री का वैल्यू है जो निकाल लेना है. तो इस तरह से आपको पास, तो इस तरह से आपके पास जो नया सोल्यूशन आया उसकी मोलैरिटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसे जरूर याद रखिएगा. तो चलिए अभी आप फॉर्मैलिटी का कंसेप्ट भी समझ लीजिए. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड रहते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया, ये सभी जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे एग्जिस्ट एज फॉर्मूला यूनिट्स. और इसी वजह से जो इनके मोलर मासेस हैं, इनके मोलर मासेस को हम लोग ग्राम फॉर्मूला मासेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम मोल्स के फॉर्म में नहीं. मतलब जो हमारे पास नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स आयोनिक नहीं है, नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनके लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लगाते हैं, जो वर्ड है, सिर्फ एक टर्म की बात हो रही है, उनके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. लेकिन यहाँ पे जो मोलर मासेस हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड्स, उनमें ग्राम फॉर्मूला मास यूज किया जाता है, ग्राम मोल्स नहीं. तो मतलब ये इसी मोलैरिटी के
फॉर्म का मॉडिफाइड फॉर्म है. जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी इज जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म. और ये फॉर्मेलिटी स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ग्राम फॉर्मूला मास. नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास. ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक टर्म का जो है डिफरेंस है कि जो फॉर्मेलिटी है सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए लगता है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते हैं, उसमें ग्राम फॉर्मूला मास होता है. अब इस पे एग्जांपल के साथ समझ लो, चीज बिल्कुल बिल्कुल सेम है. जैसे मान लो अगर मैं कहूँ 2 grams ऑफ KNO3 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कि 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में 2 grams ऑफ KNO3 को डिसॉल्व किया है. तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी क्या रहेगी? ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट. ग्राम फॉर्मूला मास क्या है? कि जो आपको मास गिवन है दैट इज 2 डिवाइडेड विद इट्स फॉर्मूला मास. KNO3 का फॉर्मूला मास रहता है 101. इसका जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा दैट इज 101. तो इसका जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो कितना आ गया? उसका वैल्यू मतलब कि मास ऑफ K प्लस मास ऑफ N प्लस 3 times मास ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें ऐड करके हमारे पास आ गया 101. डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 500 ml. और मिलीलीटर्स को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो द होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड विद 1000. तो मतलब चीज बिल्कुल सेम है. इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है. और आप ये चीज देखोगे भी ज्यादातर कि मान लो हमारे पास अगर आयोनिक कंपाउंड है भी, तभी भी वहां पे फॉर्मेलिटी टर्म यूज करने की जगह कई केमिस्ट उसकी जगह मोलैरिटी ही यूज करते हैं कि इसकी मोलैरिटी इतनी है, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स का फर्क है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि फॉर्मेलिटी क्या है और मोलैरिटी क्या है. मोलैरिटी एक जनरलाइज्ड टर्म है, ये चीज समझ लीजिए. जो फॉर्मेलिटी है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है. नंबर ऑफ मोल्स की बजाय यहाँ पे ग्राम फॉर्मूला मास है, जिसे कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स. जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी ना, 18 ग्राम्स ऑफ H2O वाली, गिवन मास कितना? 18. मोलर मास ऑफ H2O कितना? 18. मतलब 2 times मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन करके हमने फाइंड किया ना, वही चीज आ गई थी. वही तो यहाँ पे क्या, गिवन मास कितना 2 और इसका यहाँ पे फॉर्मूला मास कितना आ गया 101. चीज बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी ही डिफरेंट है. बट मैंने आपको फिर भी ये इसलिए बताया कि कभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि मोलैरिटी क्या है और फॉर्मेलिटी क्या है. इसलिए दोनों ही चीजें, दोनों ही जो टर्म्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें नोट कर लीजिए. तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मोलैलिटी. मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से. याद रखिएगा, मोलैलिटी है हमारे पास स्मॉल m और मोलैरिटी रहती है कैपिटल m. अब मोलैलिटी में हम लोगों के पास क्या है? मोलैलिटी मींस द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, और सिंपली वी कैन से मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्वड इन 1 kilogram ऑफ द सॉल्वेंट. देखो ये, इसको हम लोग सबसे पहले मोलैरिटी के साथ कंपेयर करते हैं. मोलैरिटी में हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. कि यहाँ पे देखिए क्या फर्क क्या है यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी में. मोलैलिटी में हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम लोग देख रहे हैं, दैट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के. लेकिन यहाँ पे हम लोग मोलैलिटी में क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विद मास ऑफ द सॉल्वेंट टेकन इन किलोग्राम्स, दैट पर किलोग्राम. अगर हम लोग पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में
कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोलालिटी के बारे में कि यहाँ पे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब तक जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट्स पढ़े हैं, चाहे वो मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, पार्ट्स पर मिलियन है, उन सभी चीजों में हम लोगों ने जो नीचे क्वांटिटी ली है वो मास या वॉल्यूम लिया है सल्यूशन का। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन आ गया, मास परसेंटेज में मास ऑफ सल्यूशन आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज में हमारे पास डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन आ गया। तो हर जगह पे हम लोग यहाँ पे सल्यूशन की बात करते हैं। मोलैलिटी हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ डिवाइड करें, जहां पे सॉल्वेंट इंक्लूड हो रहा है। मतलब मोलैलिटी में हम लोग सॉल्यूट की बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे। ऑन द होल जो सॉल्यूशन है उसका मास या वॉल्यूम हमें नहीं देखना है। तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विद मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर बात करें तो जो हमें मास गिवन रहता है वो ग्राम्स में रहता है। तो जब भी हमें मास ग्राम्स में गिवन रहेगा तो ये सारे फॉर्मूले को हम लोगों ने मल्टीप्लाई देना है 1000 के साथ, और इसके हमारे पास यूनिट्स क्या बनेंगे, मोल्स पर किलोग्राम। अब इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। हमारे पास अगर हो 5.3 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो देखिए ये जो Na2CO3 है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, ये हो गया हमारा सॉल्यूट, और ये है 5.3 ग्राम जिसका डिसॉल्व किया हुआ है, दिस इज द गिवन मास। तो सबसे पहले हमें अगर कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमारे मोलालिटी के फॉर्मूले में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट व्हाट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है, 5.3 ग्राम्स डिवाइडेड विद, अब इसका मोलर मास क्या रहेगा, 2 टाइम्स मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा कुछ ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 106 डिवाइडेड विद मास ऑफ द सॉल्वेंट। और उन्होंने क्लियरली हम लोगों को बताया है दैट इट इज डिसॉल्वड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, और 200 ग्राम्स क्या हो गया, सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है हमें, 200 ग्राम्स, क्योंकि वैल्यू किलोग्राम्स में ना होकर ग्राम्स में गिवन है, इसलिए हम लोगों ने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी रहने वाली है मोलालिटी। सो मोलालिटी बिल्कुल याद रखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, कि पर किलोग्राम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है वो रहेगी उसकी मोलालिटी। अभी आप ये जो फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि अगर आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम लोग 1 लीटर की बात करते हैं, हर एक लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है सॉल्यूट के, वो डिफाइन करेगी उसकी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब रहता है ग्राम इक्विवेलेंट, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, दैट व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है डिवाइडेड विद इक्विवेलेंट मास, कि अगर हम लोग जितना भी हमें गिवन मास है सॉल्यूट का इन ग्राम्स, जो भी गिवन मास है सॉल्यूट का उसको अगर हम उसके इक्विवेलेंट मास डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें देगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास क्या है। तो देखिए जो इक्विवेलेंट मास रहता है ये डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट रहता है। इक्विवेलेंट मास, अगर मान लो इक्विवेलेंट मास हमें किसी एलिमेंट का चाहिए, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट क्या रहेगा कि उसका एटॉमिक मास कितना है डिवाइडेड विद
इट्स विलेंसी. जैसे मान लो हम लोग कैल्शियम की बात करें, हमारा एलिमेंट क्या है? कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना रहेगा? 40. और जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम की विलेंसी कितनी रहती है? 2. तो अगर इसके एटॉमिक मास को इसकी विलेंसी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट मास. कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास इस हिसाब से क्या हो गया? 2. इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन की अगर हम लोग बात करें, आयन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? वही उसका फॉर्मूला मास कितना है? डिवाइडेड विद चार्ज ऑन द आयन. ऑब्वियसली आयन का जो है उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे. जैसे सोडियम, Na पॉजिटिव की बात करें, ये हमारा आयन हो गया. Na पॉजिटिव का फॉर्मूला मास कितना होगा? 22.5 होता है, कई बार हम लोग राउंड ऑफ करके 23 ले लेते हैं. डिवाइडेड विद जो इसका चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1. तो ये क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट मास आयन का, आयन के लिए उसका फॉर्मूला मास डिवाइडेड विद चार्ज ऑन द आयन. इसी तरह से अगर हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए एसिड का, एसिड का मोलर मास क्या है? मोलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड विद इट्स बेसिसिटी. जैसे मान लीजिए अगर हम लोग HCl की बात कर रहे हैं, HCl का मोलर मास क्या रहेगा? इक्विवेलेंट मास क्या रहेगा? HCl का हमारे पास मोलर मास क्या है? लाइक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन. हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? 1. प्लस क्लोरीन का हमारे पास कितना रहता है? 35.5. तो HCl का कितना हो गया हमारे पास? 36.5 डिवाइडेड विद बेसिसिटी. बेसिसिटी क्या रहती है? किसी भी एसिड में रिप्लेस H पॉजिटिव आयंस कितने हैं. जैसे HCl में केवल एक है तो इसको 1 के साथ डिवाइड कर देंगे. अगर सल्फ्यूरिक एसिड की हम लोग बात करते हैं, H2SO4, H2SO4 का यहाँ पे मोलर मास कितना रहेगा? 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस मास 4 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन करके हमारे पास 98 वैल्यू आ जाता है. 98 को अगर हम लोग इसके बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे, बेसिसिटी क्या है कि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2. तो इसकी यहाँ पे बेसिसिटी कितनी थी? 2. 98 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट मास. सो यू नीड टू टेक द मोलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी. इसी तरह से अगर हम लोग किसी बेस की बात कर रहे हैं, बेस के केस में क्या रहेगा? मोलर मास of the base divided with its acidity. कि जो बेस है उसका मोलर मास कितना है और उसको उसकी एसिडिटी के साथ हम लोगों को डिवाइड करना है. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग बात करते हैं, CaOH होल ट्वाइस, तो जो भी इसका मोलर मास रहेगा सभी के मासेस को ऐड ऑन करके डिवाइडेड विद इट्स एसिडिटी. एसिडिटी रहता है कि इसमें रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं? इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितने हैं? 2. तो इसका यहाँ पे एसिडिटी क्या रहने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 2. तो मोलर मास को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? उसका इक्विवेलेंट मास. इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्ट की, तो सॉल्ट के केस में वही मोलर मास ऑफ द सॉल्ट की, सॉल्ट का मोलर मास कितना है डिवाइडेड विद द टोटल पॉजिटिव चार्ज, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे, MgCl2, मोलर मास हम लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ क्लोरीन करके. ये इसका मोलर मास हो जाएगा डिवाइडेड विद द टोटल पॉजिटिव चार्ज. अब हमें पता है मैग्नीशियम पे चार्ज कितना रहता है? प्लस 2. तो हम लोग इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे. ये चीज़ आपको देखनी है. तो दिस इज द थिंग हेयर कि इक्विवेलेंट मास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है. मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले ये हैं. वंस यू गेट द इक्विवेलेंट मास, तो जब ये आप मास ऑफ द सॉल्यूट को इक्विवेलेंट मास के साथ डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास. यही ग्राम इक्विवेलेंट मास को अगर आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के साथ डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आ जाती है नॉर्मैलिटी.
तो इस तरह से आप लोग नॉर्मैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. और आज के वीडियो में हम लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी तीनों को डिस्कस कर लिया है. अब मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क है. आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है दैट विच इज मोर कंसनट्रेटेड, विच सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, वन मोलर और वन मोलर, एक मोलर या एक मोलल, इन दोनों सॉल्यूशन में से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन है प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज सेम. और दूसरा क्वेश्चन है मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक बेटर टर्म कौन सी है यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच टर्म इज बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी. और मुझे देखना है कि किस बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया. तो अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में लीव जरूर कीजिएगा. मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी. और अभी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. एंड इसके बाद तो वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने फिर डिस्कस करना है हेनरीज लॉ. तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, सो दैट जैसे ही कोई वीडियो आता है आप उसके अपडेट को मिस ना करें.